आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 11 सीटों में योग्य प्रत्याशियों को ही टिकट मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार अधिकांश सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में यूपी, बिहार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के द्वारा पार्टी छोड़े जाने की मीडिया के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर भाजपा कांग्रेसियों को डराकर भाजपा में शामिल करा के चुनाव जीतने की साजिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। लोकसभा महासमुंद के लिए प्रत्याशी कौन सा क्षेत्र से देंगे, ये तो सीईसी की मीटिंग में तय होगा और आलाकमान तय करेगी, लेकिन हमारा कोशिश है कि हर लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशी विनेबल है, जीत सकता है और जीता हुआ कैंडिडेट है, उसी को टिकट मिलेगा। ये हम लोग का प्राथमिकता है। देखिए, बहुत सारे सीटों में नए चेहरे को मौका मिलेगा और कुछ सीटों में बड़े नेता अनुभवी चेहरे भी लड़ना चाहे तो उनके लिए भी दरवाजा खुला है।